ओके सो आज के हमारे लेक्चर हैं ये कंजंक्शंस के ऊपर। हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर जो अपने वीडियोस हैं वो बना दिए हैं। ये कंजंक्शंस के ऊपर होगा और इसके टाइप्स के ऊपर होगा, है ना। देखते हैं कितना इलाबोरेट कर सकते हैं। आई होप कि इसके बाद आपको एटलीस्ट कंजंक्शन में कोई डाउट ना रहे। सो वी हैव अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स टू वर्ड्स और क्लॉजेस और सेंटेंसेस फ्रेजेस एंड शोस द रिलेशन बिटवीन देम, है ना। जोड़ने के काम आता है जब दो सेंटेंस या दो वर्ड हो या फिर दो क्लॉज हो या फिर फ्रेज हो, कुछ भी हो जो जोड़ने का काम है वो ये करता है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। ओके दे आर यूज टू अवॉइड मेकिंग द टेक्स्ट सीम लाइक बुलेट पॉइंट्स एंड टू मेक द टेक्स्ट फ्लो। जब आप पढ़ते हैं तो अगर यू नो सिर्फ हम सिंपल सेंटेंस ही यूज़ करेंगे कि एक सिंपल सेंटेंस है ना, नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस है, तो वो ऐसे लगेगा जैसे कि बुलेट पॉइंट्स है ना, ऐसे लगेगा जैसे कि हम लोगों ने जो है पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो ये मोर ऑफ़ उसको और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता है और थोड़ा कंपाउंड बनाता है ना। जब आप सेंटेंसेस पढ़ते हैं उसके जो टाइप्स हैं, फोर टाइप्स हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंस जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, एंड देन जब हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में जो है एक कंजंक्शन जोड़ना होता है। तो ये जोड़ने के काम आता है बेसिकली ना। उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, उनके ऊपर इंडिविजुअल वीडियोज़ जो है बना दूंगा। सो कंजंक्शन से मतलब है जो भी जोड़ता है ना, प्लस करता है, दो सेंटेंस दो वर्ड दो क्लॉज दो फ्रेज सबको जोड़ने में ये काम करता है। ये फेविकॉल है बेसिकली। ओके फेविक्विक। सो तीन तरह होते हैं ना, तीन टाइप्स होते हैं। उनमें से पहला है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। पहला पढ़ते हैं। जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है ये सिर्फ साथ ही होते हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है फैन बॉयज FANBOYS। फोटो में थोड़ा सा गलत दे रखा है। फैन बॉयज में एफ फॉर फॉर है, ए फॉर एंड है, एन फॉर नॉर है, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई से येट, लेकिन एस से सून नहीं, एस से सो होगा, है ना, एस ओ सो सून नहीं है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक है। अब ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज टू लिंक और जॉइन टू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर व्हेन कंपेयर्ड विद ईच अदर। अब ये आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्लॉज समझना पड़ेगा। क्लॉज दो तरह के होते हैं, है ना। क्लॉज क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, उसे हम बोलते हैं क्लॉज। फ्रेज के अंदर ऐसा नहीं होता, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होगा, लेकिन क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, उसी को हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज दो तरह के होते हैं जो हमें अभी याद रखना है। एक है इंडिपेंडेंट, एक है डिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। तो जब आप एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं वो असली में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ये अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना है तो आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं कि वो दो ऐसे दो चीज़ों को जोड़ता है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट हो ग्रामर के टर्म्स पे, है ना। अब इसको पूरी तरह से समझने के लिए आपको थोड़ा सा वो भी समझना पड़ेगा, है ना, एडवर्बियल कंजंक्शन भी समझना पड़ेगा, या फिर जिसे हम मोर ऑफ एडवर्ब मानते हैं, कंजंक्शन एडवर्ब, भूल जाइए उसको अभी, है ना। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि तीन चीज़ें हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना हो, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना हो, तो जो बीच में जो चीज़ लगने वाला है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। साथ होते हैं फैन बॉयज, आप बोल सकते हैं एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, और एस से सो सून नहीं है, वापस सो होगा। अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट में, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये कब काम आते हैं, ये काम आते हैं जब हमें जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसे जोड़ना है लेकिन एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, है ना। सो यूज टू जॉइन एन इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, उस मेन क्लॉज को विद अ डिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ने के टाइम ये काम आता है ना, दैट रिलाइज ऑन द मेन क्लॉज फॉर मीनिंग एंड रेलिवेंस। तो देखिए सेंटेंस तीन तरह के, चार तरह के होते हैं, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए कि एक है सिंपल, एक है कंपाउंड, एक है कॉम्प्लेक्स। एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले ये हो जाए
सिंपल के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कंपाउंड के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, उसके बाद एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कोऑर्डिनेटिंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, देन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, देन एक जो है एक और डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है ना। ये आपका कॉम्प्लेक्स है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर दो तो होंगे आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होगा आपका कंपाउंड, सॉरी एक होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ये रहा सेंटेंसेस के बारे में ना, इन सब में ही यूज होंगे ये सब, है ना। सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या क्या आता है? ऑल दो, एज, बिफोर, वंस, दो, अनटिल, वेदर, है ना, ये सबऑर्डिनेटिंग है। एक चीज़ जो आपको, जिसे आप ये याद कर सकते हैं, वो ये है कि सबऑर्डिनेट मतलब जो मेरे पीछे काम कर रहा है ना, मेरा सबऑर्डिनेट है, तो ऑब्वियसली बात है वो डिपेंडेंट है मुझ पर। तो जब भी हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ना है, सबऑर्डिनेटिंग लग जाएगा। और जहाँ पे हमें दो इक्वल को जोड़ना है तो कोऑर्डिनेटिंग लग जाएगा, जो साथ में काम कर रहे हैं। हो गए आपके दोनों के एग्जांपल दे रखे हैं नीचे, हम और इलेबोरेट कर लेंगे। अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन, है ना। ये इन रिलेशन टू होता है, दे आर पेयर्स, नोटिस कीजिए पेयर है, ये सिंगल नहीं है, सॉरी हाँ ये सिंगल नहीं है, डबल है, शादीशुदा है। दे आर पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस यूज्ड इन डिफरेंट सेंटेंसेस टू जॉइन डिफरेंट वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सुना होगा बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, जस्ट एज सो, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, हार्डली वेन, है ना। अब आते हैं इन सबको हम इंडिविजुअली और समझने के लिए। कंजंक्शन आपको समझ में आ गया, कंजंक्शन का मतलब होता है जो फेविकॉल है, जो जोड़ता है, वो कंजंक्शन है। अब आते हैं हम इसके इंडिविजुअल पे। पहला ऑब्वियसली बात है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, दे आर यूज टू लिंक और जॉइन टू वर्ड्स और फ्रेजेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, है ना, इक्वल इंपॉर्टेंस और इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, है ना, वन कंपेयर्ड विद ईच अदर। अब ग्रामर मतलब है कि दो सेंटेंस दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए, है ना, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंसेस होने चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, आप बिकॉज वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ करेंगे फॉर एंड, नॉर, बट और, येट, सो। आप समझ लीजिए कि सब लोगों को कब यूज़ करते हैं। फॉर बहुत तेज में शो करता है बिकॉज वाला मीनिंग, कि आई टोल्ड हर टू लीव, मैंने उसे जाने के लिए बोला, फॉर आई वॉज वेरी टायर्ड, बिकॉज मैं बहुत टायर्ड था ना, वो हम देखते हैं कि मैंने उसे जाने बोला बिकॉज मैं, इसका कारण क्या है, मैं टायर्ड था ना, मैं भी कुछ कर नहीं सकता साथ में। सो फॉर आप तब लगाएंगे जब आप बिकॉज लगा रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बिकॉज आप यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग है। तो जब भी आप बिकॉज लगाएंगे तब जो सेकेंड सेंटेंस है वो डिपेंडेंट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों सेंटेंस ना डिपेंडेंट नहीं है, इनडिपेंडेंट है। आई टोल्ड हर टू लीव इनडिपेंडेंट है, आई वॉज वेरी टायर्ड इनडिपेंडेंट है, और दोनों को जोड़ने वाला एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होगा। अगर आप इस टाइम पे सबऑर्डिनेटिंग लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, बहुत ही ग्रामेटिकल सेंस में वो गलत हो जाएगा, है ना। बाकी बोलने के टाइम तो कुछ भी आप बोलिए, क्या फर्क पड़ता है ना, आप बोल सकते हैं आई टोल्ड हर टू लीव बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। एनीवे, नेक्स्ट है एंड। एंड मतलब जब आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं ना, जब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। सो एग्जांपल देखिए, आई लाइक फुटबॉल, मुझे फुटबॉल पसंद है, एंड आई लाइक हॉकी, और मुझे हॉकी भी पसंद है ना। सो आई लाइक फुटबॉल एंड आई लाइक हॉकी, तो ये हो गया, आपने एक और इन्फॉर्मेशन दिया, एक और सिमिलर प्लस वाला इन्फॉर्मेशन दिया, है ना। आई लव, आप कह सकते हैं आई लव दही एंड आई लव लाइक बर्गर। नेक्स्ट है नॉर। नॉर इज लाइक नहीं, जैसे कि ऊपर वाला जो एंड था वो है कि ये एंड ये, नॉर है ये नहीं, है ना। सो आई हैव नाइदर डन द डिशेज, कि मैंने डिशेज तो किया ही नहीं। डिशेज जो है, डिशेज मतलब कि धोना, वो जो हमारे थाला बर्तन होता है, थाला बर्तन को कहते हैं कि यू नो बर्तन, जो हमारे बर्तन हैं वो भी नहीं धोया। आई हैव नाइदर डन द डिशेज नॉर द लॉन्ड्री, कि मैंने नाइदर डिशेज किए नॉर लॉन्ड्री किया। नोटिस कीजिए ये नाइदर नॉर भी हो गया, नाइदर नॉर का भी एग्जाम्पल हो गया। अभी तो हम लोग जस्ट लाइक एग्जाम्पल के नाम पे ये पढ़ रहे हैं, बट ये मोर ऑफ अ नाइदर नॉर का एग्जाम्पल है, ये सिर्फ नॉर का एग्जाम्पल नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है बट। बट मतलब जो पहला स्टेटमेंट है उसका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो उल्टा होने वाला है ना, मैंने ये किया लेकिन ये।
शी इज़ 85, वो 85 ईयर्स की है, बट लेकिन शी स्टिल गोज स्विमिंग एवरी डे, लेकिन वो हर रोज़ फिर भी स्विमिंग करने जाती है ना। या सो ये एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट है और, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये या फिर ये, कोई एक है ना, एंड मतलब दोनों और मतलब कोई एक, आइदर, आई विल ईट आइदर अ हैमबर्गर, या तो मैं हैमबर्गर खाऊंगा और अ हॉट डॉग, या फिर मैं हॉट डॉग खाऊंगा, सो कोई एक। नेक्स्ट है आपका येट, येट मतलब बट ही होगा, जो ऊपर हम लोगों ने देखिए बट दिया है। द वेदर वॉज कोल्ड, वेदर बहुत ठंडा था लेकिन ब्राइट एंड सनी, किंतु मतलब ठंडा था लेकिन ब्राइट एंड सनी भी था, ठीक है। लास्ट है आपका सो, सो मतलब देयरफॉर, कि मैं ये इसलिए ये। आई वॉज स्टिल पेनफुल, कि मुझे दर्द हो रहा था, मुझे अभी भी दर्द हो रहा था, सो आई वेंट टू सी अ डॉक्टर, इसलिए मैं डॉक्टर को देखने गया। तो ये आपके कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि इस मतलब के सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन नहीं होंगे, फ़र्क क्या है, फ़र्क बस इतना है कि ये लोग यूज़ होते हैं जब आपको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ने हो, ठीक है। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिव, ये तब यूज़ होते हैं जब आपको इंडिपेंडेंट नहीं, एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो। यूज टू जॉइन एन इंडिपेंडेंट एंड कंप्लीट क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, विद अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट रिलाइज ऑन द मेन क्लॉज फॉर मीनिंग एंड रिलेवेंस, ठीक है। कम्स बिफोर द डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, बट द डिपेंडेंट क्लॉज इटसेल्फ कैन बी प्लेस्ड आइदर अहेड ऑफ और फॉलोइंग द इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये कहाँ लगेगा ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, आफ्टर, ऑल दो, एज सुन एज, बिकॉज, बिफोर, देन है बाय द टाइम, इवन इफ, इवन दो, इन इफ, इन केस, नाउ दैट, ना, ये सब क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कुछ एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। सून आफ्टर मूविंग टू लंडन शी गॉट अ न्यू जॉब, कि लंडन में मूव करते ही उसे नया जॉब मिल गया। ही डिसाइडेड टू गो, ऑल दो आई बेग्ड हिम नॉट टू, कि वो जाने को, मतलब उसने डिसाइड कर लिया कि वो जाएगा, मैंने उसे बहुत बैक किया ना, मैंने उसे बहुत कहा कि ये मज़ा, फिर भी वो चला गया ना, फिर भी उसने डिसाइड कर लिया था, वो चला गया। ओके, यू कैन गो फर्स्ट एज यू आर द ओल्डेस्ट, तुम पहले जा सकते हो क्योंकि तुम पहले हो ना, तुम ओल्डेस्ट हो, तुम उससे बड़े हो। एज सुन एज आई सॉ हर आई न्यू देर वॉज समथिंग, जैसे ही मैंने उसे देखा मुझे लगा, मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गलत है ना, कुछ ना कुछ जो है कोई ना कोई पंगा है। वी कैन नॉट गो टू जूलियस पार्टी, हम जूलिया की पार्टी में नहीं जा सकते, बिकॉज वी आर गोइंग अवे दैट वीकेंड, क्योंकि हम वीकेंड के टाइम पे हम कहीं और जा रहे हैं, है ना। यू शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, हमें हमेशा अपना हाथ जो है वो धो लेना चाहिए खाने से पहले। आई थॉट यू वुड बी डन बाई दिस टाइम, मुझे लगा कि तुम्हारा काम कम्प्लीट हो चुका होगा इस टाइम तक। इवन इफ यू अपोलोजाइज, तुमने अगर माफ़ी मांगा तब भी शी मे नॉट फॉरगिव यू, हो सकता है कि वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगी। इवन दो ही लेफ्ट एट 16, ही स्टिल मैनेज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, इवन दो ही लेफ्ट स्कूल एट 16, कि 16 साल की उम्र में उसने स्कूल छोड़ दिया, उसके बाद भी वो मैनेज ही बिकेम, उसने प्राइम मिनिस्टर बनना बन गया वो, है ना, ही मैनेज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। इफ शी हैडंट कॉल्ड आई वुडंट हैव नोन, कि अगर उसने कॉल नहीं किया होता कि आई वुडंट हैव नोन, तो मुझे पता नहीं चलता। ब्रिंग अ मैप इन केस यू गेट लॉस्ट, मैप लेके आओ इन केस अगर तुम यू नो गुम हो गए तो काम आएगा। ओके, नाउ दैट आई लिव ओनली अ फ्यू ब्लॉक्स फ्रॉम वर्क, अब जो मैं कुछ ही दूर रहता हूँ ना, कुछ ही ब्लॉक्स दूर रहता हूँ अपने काम से, आई वॉक टू वर्क एंड एन्जॉय, तो मैं चल के जाता हूँ अपने काम को और मैं इंजॉय करता हूँ। ओके, इससे पहले कैसे वो बहुत दूर रहता था और बहुत प्रॉब्लम होता था उसको यहाँ पे आने में, एट्सेट्रा। सो ये रहे आपके सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, मीनिंग का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है, मतलब जो दोनों में डिफरेंस है वो बस इतना है कि वो एक कोऑर्डिनेटिंग है, सो दो इंडिपेंडेंट को जोड़ता है, और ये सबऑर्डिनेटिंग है, सो एक इंडिपेंडेंट को एक डिपेंडेंट के साथ जोड़ता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे लिस्ट के थर्ड पे, जो है को रिलेटिव कंजंक्शन, इसमें रिलेशन है ना, इसमें देखिए आइदर और नेदर और वाला है ये। को रिलेटिव कंजंक्शन आर सिंपली पेयर्स ऑफ कंजंक्शंस यूज्ड इन अ सेंटेंस टू जॉइन डिफरेंट वर्ड और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस टुगेदर। दे आर जनरली नॉट यूज्ड टू लिंक सेंटेंसेस देमसेल्व्स, इंस्टेड दे लिंक टू और मोर वर्ड्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस विद इन अ सेंटेंस इटसेल्फ।
एक तरीका इसको पहचानने का क्या है कि ये अकेला नहीं होता, ये शादीशुदा है, दो होंगे, बोथ एंड आइदर और जस्ट एज सो, और बीच में अदर वर्ड्स आने वाले हैं। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, वी हैव बोथ और एंड वाला एग्जांपल है, द हाउस इज बोथ लार्ज एंड कोजी, कि जो हाउस है वो बहुत बड़ा भी है और आरामदायक भी है, कोजी भी है ना। सो बोथ के बाद देखिए लार्ज आए और एंड के बाद देखिए कोजी आए। सिमिलरली आइदर और, आइदर यू ईट योर डिनर, या तो तुम खाना खाओ, और यू विल गो टू बेड, या फिर तुम सोने जाओ, है ना, सुबह सुन सोने जाओगे। देन वी हैव जस्ट एज सो, जस्ट एज आई लव फिल्म्स सो डज माई ब्रदर लव स्पोर्ट्स, कि जिस तरह से लाइक जैसे मुझे मूवी देखना पसंद है, मूवीज पसंद है, वैसे ही मेरे भाई को खेलना पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है। नाइदर नॉर, ही इज नाइदर एम्प्लॉयड नॉर लुकिंग फॉर अ जॉब, कि ना तो वो एम्प्लॉयड है, ना तो वो कोई जॉब करता है, नाइदर नॉर ही नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, ना ही वो जॉब के लिए खोज रहा है, जॉब खोज रहा है। नेक्स्ट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली विल आई सी योर $20, आई ऑल्सो रेस यू $30। तो ये गेम खेल रहे हैं ना, वो गेम है आई गेस रमी है या फिर कोई गेम है, आई एम नॉट श्योर कौन सा गेम है, रमी है आई गेस ना, अरे जिसमें हम लोग रेस करते रहते हैं ब्लाइंड, नॉट एग्जैक्टली श्योर कौन सा है, बट या है ना। सो मैंने देखा तुमने $20 जो है तुमने आगे मतलब गेम को $20 और ऊपर किया है, और मैं और $30 मतलब और लगा रहा हूँ, $30 और लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि तुमने वो किया, नॉट ओनली विल आई सी योर $20, कि तुमने जो $20 मतलब मैं गेम छोड़ नहीं रहा ना, आई एम नॉट एंडिंग द गेम, और इसके ऊपर मैं $30 और लगा रहा हूँ, कि अब तुम या तो बोलो भैया, या तो तुम भी 30 लगाओ, या फिर बोलो कि ख़त्म है। वेदर और, आई एम गोइंग टू हेल्प यू वेदर यू लाइक इट और नॉट, कि तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नो सूनर देन, आई वुड नो सूनर लाई टू यू देन स्ट्रैंगल अ पपी, कि ये बेसिकली दिखाना है कि यू नो मैं पपी को स्ट्रैंगल नहीं करूँगा ना, मतलब मैं उतना ही दोनों का सेम इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि आई वुड नो सूनर लाई टू यू, कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, उसी तरह जिस तरह मैं कभी किसी पपी को स्ट्रैंगल नहीं करूँगा ना, उसको गला दबा के नहीं मारूँगा। ओके, लास्ट के हमारे तीन वर्ड्स हैं, तीन वो हैं, हार्डली वेन, आई हैड हार्डली सेट डाउन फॉर डिनर, कि मैं बैठा ही था, मैं बैठने ही वाला था, हार्डली मैं बैठ पाया था अपने डिनर पे, वेन द फोन रैंग, जब फोन बजो था, है ना। इफ़ दैट इज़ द केस, अगर यही बात है तो देन आई एम नॉट सरप्राइज, तो फिर मैं सरप्राइज नहीं हूँ अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, तो फिर सरप्राइज नहीं हो कि ये हो रहा है ना, कि जो हो रहा है, अगर ये केस है ना, अगर केस इतना ही ख़राब है तो मुझे उतना शक नहीं, मतलब उतना शॉक नहीं लग रहा है कि हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है। रैदर देन शी वुड रैदर प्ले द प्ले शी वुड रैदर प्ले द ड्रम्स देन सिंग, कि वो ड्रम्स बजा लेगी ना सिंग के कंपैरिजन में, है ना। शी वुड रैदर प्ले द ड्रम्स देन सिंग, कि गाना गाने के बजाय वो ड्रम्स बजाना प्रेफर करेगी। सो ये है आपके को रिलेटिव कंजंक्शंस, है ना। तो इस तरह से आपके कंजंक्शंस जो हैं वो पूरे होते हैं। अगेन एक एडवर्बियल कंजंक्शन भी होता है जिसे हम लोग कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं, वो इसमें नहीं आता है ना, वो एडवर्ब में आता है, कंजंक्टिव एडवर्ब एडवर्ब उसका बस ये उसका जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें वो दो वो जोड़ के एक नया सेंटेंस नहीं बनाता, सेंटेंसेस अलग अलग ही होते हैं, बस वो जोड़ने का काम करता है, वो रिलेशन देखिए उसमें और कंजंक्शन में बस ये डिफरेंस है कि कंजंक्शन में देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि वेयर इज इट, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज टू लिंक और जॉइन टू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर, है ना। तो वो कंप्लीट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर नहीं होता है ना उसमें, जब हम उसमें आप नोटिस करेंगे कि एक सेंटेंस के एंड होने के बाद फुल स्टॉप लगता है या फिर वी हैव सेमी कॉलन, है ना, या तो सेमी कॉलन लगेगा या फिर फुल स्टॉप लगेगा। वो जो वर्ड्स होते हैं उसे हम कहते हैं एडवर्बियल कंजंक्शन, या फिर उसे हम कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स, वो अभी इसमें नहीं करने वाले हम, है ना, वो एडवर्ब में कर लेंगे। सो ये रहा हमारा कंजंक्शन, तीन तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। जो कोरिलेटिव होते हैं वो मैरिड होते हैं, आइदर और नाइदर नॉर। जो सबऑर्डिनेट होते हैं ये एक इंडिपेंडेंट को एक डिपेंडेंट के साथ जोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल बिकॉज, और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो होते हैं ये एक इंडिपेंडेंट को एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैन बॉयज, है ना। फैन बॉयज आप याद कर सकते हैं, फॉर एंड नॉट बट और येट, और ये सून नहीं, ये है सो। यहाँ पे हम जो आज का सेशन है ये एंड करते हैं। आई होप कंजंक्शन से
में जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप क्लियर हो गया होगा। इंटरजेक्शन इसके बाद ले आएंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सेशन एंड करते हैं।